हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल्ड ऑप्शन चेन सीरीज। हम लोग इस सीरीज में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 1, यानी कि जब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों स्ट्रोंग हो तब मार्केट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग और रेसिस्टेंस WTB हो तो मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मार्केट का टॉप क्या रहने वाला है, मार्केट का बॉटम का क्या रहने वाला है, मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। साथ ही हम इस सिनेरियो में कहां से रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, कहां से सेफ ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा पे यानी AOC कैलकुलेटर पे चलते हैं, वहाँ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे आप 22,400 पे सपोर्ट है, यानी 100% वॉल्यूम है जो अपने आप में स्ट्रोंग है, यानी यहाँ कहीं पीला कलर नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें वीकनेस नहीं है, यानी 22,400 पे सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है। और यहाँ क्या देख रहे हैं ऊपर साइड 22,500 पर रेसिस्टेंस स्ट्रोंग है, लेकिन रेसिस्टेंस में वीकनेस है, पीला कलर है, वीकनेस है। तो क्या है रेसिस्टेंस, क्या है WTB है, वीकनेस कहाँ है 22,450 पे। तो ये किस तरह का सिनेरियो है, इसमें क्या है सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग और रेसिस्टेंस WTB यानी वीक टूवर्ड्स बॉटम। तो सपोर्ट अपने आप में अगर स्ट्रोंग हो, रेसिस्टेंस WTB हो, तो मार्केट में एक बियरिश प्रभाव पड़ता है। मार्केट पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, बियरिश प्रभाव पड़ता है, यानी कि मार्केट उस दिन बियरिश रहने वाला है जब तक WTB बना रहेगा तब तक। ठीक है, तो अब जब सिनेरियो ऐसा बनता है रेसिस्टेंस सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस WTB, तो हम ट्रेड कहाँ से लेते हैं, तो हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू रहेगा कि आज मार्केट बियरिश रहेगा। तो बियरिश रहेगा तो हम लोग कहाँ कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो देखिए जब रेसिस्टेंस WTB हो तो जहाँ से WTB रहता है, ठीक है, जहाँ से WTB रहता है उसके वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। WTB कहाँ है 22,450 पे, तो 22,450 के वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो 22,482 आता है, तो यानी कि 22,482 जो है हमारे लिए एक रिस्की ट्रेडेबल है, जोन है जहां से हम लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं, यानी नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक रिस्की ट्रेड है। लेकिन अगर सेफ लेना हो तो 22,400 के ऊपर यानी 22,450 के ऊपर यानी 22,500 के वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो 22,533 यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ रहा है 22,533, तो यहां से हम लोग सेफ ट्रेड लेंगे। चलिए इस चीज को चार्ट में देखते हैं, तो चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। देखिए ऑलरेडी हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। देखिए इस चीज को समझिए, 22,500 पे क्या है रेसिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, कितना आ रहा है 22,533। तो देखिए यहाँ एक वैल्यू कट हम लोग 22,533 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, उसके नीचे क्या है WTB है ना, WTB है, तो इस पर क्लिक करते हैं 22,482, तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं 22,483, ये क्या है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो 22,500 है उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1, तो ये क्या है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 का लाइन, और क्या है मार्केट WTB है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते हैं तो 22,432 आता है, तो ये वैल्यू है 22,432 का, 32-33 आ रहा है, ये 32 का वैल्यू है, ये क्या है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, देखिए 22,400 पे है उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी 22,450 पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 होगा, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 22,400 क्लिक करेंगे तो 22,383 आ रहा है, तो ये वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का है। और ठीक इसके एक डाइवर्जन नीचे अगर क्लिक करते हैं तो 22,337 आ रहा है, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए तो हम बता चुके हैं कि रिस्की ट्रेड फॉर नीचे का व्यू हमारा क्या रहेगा, नीचे का, लेकिन रिस्की पी कहाँ से ले सकते हैं, तो 22,400 जहाँ WTB है उस वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग नीचे का ट्रेड रिस्की लेंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे का ट्रेड रिस्की होगा हमारा। सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा, तो सेफ ट्रेड हमारा जहाँ WTB रहता है उससे एक डाइवर्जन ऊपर, यानी कि जो अभी हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है उस पर क्लिक करेंगे, यानी 22,533 ये वैल्यू है, तो सेफ ट्रेड अगर हम नीचे तक के लिए लेंगे तो यहाँ से लेंगे, यानी ये अभी इस हालात में इस सिनेरियो में अभी ये हमारा टॉप होने वाला है, UR हमारा कंप्लीट टॉप होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग रिस्की ट्रेड UR-1 से और सेफ ट्रेड UR से हम लेंगे। कहाँ तक ले सकते हैं इस ट्रेड को, तो देखिए
पहली बात जब मार्केट यहाँ से आएगा आता है गिरते हुए, जैसे मार्केट किस तरह से गिरता है, मान लिया जाए कि मार्केट इस तरह से गया तो इस तरह से यहाँ गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर मार्केट यहाँ से गिर जाता है, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से गिर जाता है EOR से, ठीक है। अगर ये तो हुआ हमारा रिस्क ही, अगर हम लोग सेफ ट्रेड करेंगे तो हम लोग इसका वेट करेंगे, जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा तब हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड ट्राई करेंगे, तो फिर हमारा ई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस प्लस वन तक हमारा फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए। और हालांकि मार्केट कहाँ तक जा सकता है इस चीज़ को समझें, जब रेसिस्टेंस WTB और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केट कम से कम सपोर्ट तक जाता है, यानी कि क्या वैल्यू आ रहा है 383, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यह 383 जो लाइन ड्रो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट जाता है। लेकिन क्या हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए, तो एक ले सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट रिस्की है, यानी कि यहाँ तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लिया जाए कि ट्रेड हम लोग यहाँ से ट्रेड लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ बुक नहीं किए, यहाँ तक बुक कर लिए या हम यहाँ बुक कर लिए, ठीक है। हम क्या अब हम या तो हम यहाँ से ट्रेड लिए यानी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेड लिए तो हमारा ट्रेड यहाँ तक चला, तो ठीक है। तो अब क्या हम नीचे का वेट करें, क्या फिर से मार्केट यहाँ जाएगा तब नीचे का ट्रेड लेंगे, नहीं, हम नीचे से ऊपर का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो चूंकि मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, और क्या होता है कि WTB है तो शिफ्टिंग हो गया, तो मार्केट सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि सपोर्ट कहाँ है 22,400 से एक डाइवर्जन नीचे 22,350 तक भी मार्केट चला आता है, यानी 22,337 जो वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन का, यानी ये 337 यहाँ तक भी मार्केट चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेड का प्लान कहाँ से करेंगे, तो जो रिस्की ट्रेडर हैं तो EOR माइनस वन से एक रिस्की ट्रेड नीचे के लिए ले सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर हैं वो EOR से एक सेफ ट्रेड नीचे के लिए ले सकते हैं, ठीक है, बीच में कॉल पुट नहीं करेंगे। अब जो नीचे का ट्रेड लेना चाहते हैं, जो नीचे से ऊपर का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ से लेंगे, वो या तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ले सकते हो जो कि अपने आप में रिस्की रहेगा, ठीक है, अपने आप में रिस्की रहेगा, लेकिन आप कहाँ तक एक ही डाइवर्जन तक ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिनेरियो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिनेरियो किसका है, बियरिश सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा, अगर आप सेफ जैसा थोड़ा सा सेफ लेना चाह रहे हैं तो EOS माइनस वन का वेट करना होगा, फिर यहाँ से ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं एक डाइवर्जन का, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर का ट्रेड अपने आप में रिस्की होगा, क्यों रिस्की होगा, तो आंसर है क्योंकि जो सिनेरियो है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्या है, बियरिश है, ठीक है, बियरिश है, लेकिन आप ऊपर का ट्रेड बियरिश मार्केट यानी गिरने वाले मार्केट में अगर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट किया गया कोई भी ट्रेड अपने आप में रिस्की होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को हम लोग बढ़िया से देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या हुआ, मार्केट अगर जो रिस्की ट्रेडर है EOR से नीचे का ट्रेड लिया होगा, जो ट्रेडर होगा वो US प्लस वन से भी लिया होगा, हालांकि यहाँ से लेना कोई मतलब नहीं बनता है, तो EOR से लिया होगा, EOR माइनस वन से लिया होगा, मार्केट देखिए नीचे गया, ठीक है, मार्केट फिर नीचे गया, देखिए EOS बिल्कुल डॉट टू डॉट आया, और यहाँ देखिए यहाँ मार्केट किस तरह से कंसोलिडेट किया, एक्चुअल इसी पॉइंट पर कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से EOS प्लस वन से रिवर्स करा, यानी कि इस क्या होता है कि ये जो सिनेरियो WTB का है, सिनेरियो धीरे धीरे बाद में चेंज होते रहता है, तो चेंज होते रहता है तो मार्केट नीचे भी नहीं गिर पाता, हो सकता है यहाँ कहीं WTT बन गया हो, तो WTT बना है तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा ना, यहाँ कहीं आप देख रहे हैं यहाँ 69% 62% हो रहा है, तो हो सकता है ये 75% से अधिक हो जाए यहाँ वाला वैल्यू, तो फिर ये तो WTT बना देगा ना, सिनेरियो WTT हो जाएगा, WTT हो जाएगा तो क्या होगा, तो मार्केट अपने आप में बुलिश होगा, मार्केट अपने आप में बुलिश होगा, तो यहीं से जब मार्केट यहाँ WTT बना देगा तो यहीं से आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, यानी 22,432 यही सब वैल्यू से भी ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, 22,432 से ही सेफ लेंगे तो यहाँ से सेफ हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ WTT बना दिया तो सेफ यहाँ से भी हो जाएगा, कहाँ से 22,383 ये वाला वैल्यू से भी सेफ ट्रेड ऊपर का ले सकते हैं, समझे, इस चीज़ को समझे, फिर से समझे कि रेसिस्टेंस WTB हो और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केट का प्रेशर बियरिश रहेगा, यानी मार्केट का सिनेरियो बियरिश रहेगा, यानी मार्केट नीचे गिरने वाला ही का रहेगा, यानी कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। ऐसे केस में ऊपर का ट्रेड लेना अपने आप में रिस्की है, लेकिन अगर रिस्क ले रहे हैं तो आप कहाँ से, EOS से कम EOS से लें, तो EOS यहाँ से आप लें रिस्क, ठीक है, या तो अगर सेफ हैं तो EOS माइनस वन से लें, यानी कि 337 यहाँ जब मार्केट आए तब यहाँ से ऊपर का ट्रेड हम लोग लेंगे, नहीं तो हम लोग ऊपर से नीचे का ही ट्रेड लेंगे, ऊपर से नीचे का ट्रेड कहाँ से, जहाँ WTT है, देख रहे हैं 22,450 पे WTB है, 22,450 पे WTB है, तो यहाँ से हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन ये रिस्की है, सेफ के लिए इसके एक एक्सटेंशन ऊपर यानी 22,533 इस वैल्यू का इंतजार करना होगा, अगर आएगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे,
तो आप देखें किस तरह से हमारा ट्रेड बनता है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे और भी सिनेरियो को सीखेंगे, और जब सभी सिनेरियो को सीख जाएंगे तब क्या परिवर्तन सिनेरियो में होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेंगे मार्केट में। ऐसे हम लोग जब सिनेरियो कंप्लीट सिनेरियो हमें नहीं पता रहेगा तो हम लोग सही से मार्केट को में सही डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।